हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सप्रेस जेएस का ट्यूटोरियल नंबर 6। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस जेएस का कोड। ये वही कोड है जिसको मैंने इससे पिछली वाली 5 वीडियोस में बनाया था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बता देता हूँ आपको, इससे पहले 5 वीडियोस में मैंने आपको क्या क्या बताया था, मतलब एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आज का वीडियो, ओके? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया था, किस तरीके से एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करते हैं, और यह है पैकेट डॉट जेसन फाइल, इसका क्या यूज़ है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये डिपेंडेंसी होती हैं, मतलब प्रोजेक्ट में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मतलब कहने का मतलब, कल को आप इस प्रोजेक्ट को गिट पे अपलोड करते हैं या किसी दूसरे सिस्टम पे सेटअप करना है, तो आपको ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली इस वाली फाइल को ले जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब हम उस दूसरे सिस्टम पे जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं, वहाँ पे जैसे ही npm इंस्टॉल कमांड रन करते हैं, तो ये सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाती हैं और ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो ये थी बात पैकेज डॉट जेसन की। इसके अलावा इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, वो है ऐप डॉट जेएस, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब जब सबसे पहले प्रोजेक्ट रन होता है तो वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है? ऐप डॉट जे एस, देखो इसमें लिखा भी होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है नोड मॉन ऐप डॉट जे एस, मतलब जब भी हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे वो इसी फाइल को रन करेगा। तो ये है ऐप डॉट जे एस, यहाँ पे लिखे हैं ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस है, बॉडी पार्सर है, ये सब मैं बता चुका हूँ, अब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो ये सब हमने रिक्वायर किए हुए हैं, ठीक है? और ये जो ऐप डॉट यूज़ लिखा है, ये सब हमारे मिडलवेयर कहलाते हैं, ठीक है? इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बाकी ये स्पेस हटा देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये सब मैंने लेआउट वगैरह कैसे सेट करते हैं वो सब लिखा हुआ है, और पोर्ट को लिसन करना, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये है आपकी ऐप डॉट जे एस मेन फाइल, जो कि हमारी सबसे पहले रन होती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था व्यू फोल्डर के बारे में, जिसमें कि टेम्पलेट इंजन सेट किया जाता है, इसमें मैंने EJS सेट किया हुआ है, ठीक है? और लेआउट किस तरीके से बनाते हैं, हेडर फुटर कैसे बनाते हैं, वो सब बताया था। इसके अलावा इसमें राउट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं वो बताया था, कंट्रोलर के बारे में बताया था, ठीक है? ये सब बता दिया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसकी क्या सिचुएशन है अभी। अब मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और यहाँ पे लिख के आ रहा है सर्वर रनिंग 5000, ठीक है? तो मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा और लिखूँगा लोकल होस्ट 5000, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा होम पेज है, पहला पेज है, ठीक है? किस तरीके से रन हो रहा है यहाँ पे, मैंने आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ऐप डॉट यूज़ किया हुआ है, यूज़र राउट को कॉल किया है, ठीक है? जो कि यहाँ से रन हो रहा है। अब यूज़र राउट कहाँ है मेरा, वो यहाँ पे है, और यहाँ पे ये है आपका पहला वाला इंडेक्स पेज, ठीक है? यहाँ पे मैंने इस कंट्रोलर को कॉल किया हुआ है, होम को, ठीक है? जो कि रन हो रहा है। अब होम के अंदर चलते हैं हम, होम के अंदर इंडेक्स पेज कॉल हो रहा है, वो इंडेक्स पेज कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है? अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे ही शीशे, देखिए क्या होगा। जी देखिए शीशे लिख के आ गया, बट आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने शीशे ही लिखा है, बाकी ये सब डिज़ाइन कैसे आ गया, वो इसलिए आ गया लेआउट की वजह से आ गया, मैंने वहाँ पे लेआउट लगा रखा है, ठीक है?
अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए सपोज हमें लेआउट हटाना है यहाँ से, ठीक है, तो कैसे हटाएंगे? मुझे जाना होगा इस कंट्रोलर में, यहाँ से मैं लेआउट को फॉल्स कर देता हूँ। ये देखिए हट गया लेआउट। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आता हूँ। अभी तक मैंने आपको जो बताया था एक्सप्रेस जेएस का बेसिक बेसिक बता दिया था, अब मुझे क्या बताना है, इस पर कर्ड ऑपरेशन करना बताना है, रजिस्ट्रेशन बताना है, लॉगिन बताना है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे एक डिज़ाइन सेट करूँगा, किस तरीके से लॉगिन का रजिस्ट्रेशन का डिज़ाइन सेट कराया जाता है वो बताऊँगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको मोंगो डीबी के बारे में पहले बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं कर्ड बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, एक लॉगिन का पेज बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, लिखता हूँ HTML5, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ, ये तो मेरा हेडर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका ये उठा लेता हूँ, लिंक्स वगैरह उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लेआउट नहीं कॉल करना है ना, इसलिए ये सब मैंने उठा लिया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक अपना डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए या तो हम करेंगे, जल्दी बनाना है तो गेट बूट स्ट्रैप लिख देते हैं, बूट स्ट्रैप फॉर्म लिख लेते हैं, बूट स्ट्रैप फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये फॉर्म आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसका लेआउट यहाँ थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, डिव डिव टैग बना लेता हूँ, ठीक है, और इसमें ले लेता हूँ क्लास कंटेनर, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसके अंदर एक और रो बना लेता हूँ, ठीक है, क्लास रो। और इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, बेसिक ही कर रहा हूँ, ठीक है। कॉल SM, मान लीजिए मैं कर देता हूँ सपोज 4 कर लेता हूँ, इसमें लिख के देखता हूँ शीशे, और इसकी कॉपी बना लेता हूँ पहले। ठीक है, इसमें 1 2 3 कर देता हूँ, 2 3, ठीक है। तो ये मेरा बूट स्टेप के कॉलम आ गए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्म, फॉर्म कर लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फॉर्म दिख रहा है, इसको ले आता हूँ मैं, ठीक है, इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले मैं पूरा, ठीक है। और उस फॉर्म को यहाँ, इसे तो मैं हटा ही देता हूँ, M% NBSP कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। NBSP परसेंट येरा, ये देखिए बन गया फॉर्म आपका, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म बनाता हूँ, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल मैं यहाँ करता हूँ, ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। और ऐसा करता हूँ, इसकी एक कॉपी और क्रिएट कर लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। REGIST रजिस्टर .EJS, ठीक है। फिलहाल मैं इंडेक्स पे चलता हूँ और बाकी सब चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है।
ये हटा दिया, और यहाँ पे कहने का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल डिज़ाइन की सेटिंग ही कर रहा हूँ। ईमेल एंड पासवर्ड ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल एंड यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, यूज़र को लॉगिन कराएंगे हम। इसको सेव करके रन करता हूँ पहले। ईमेल एंड पासवर्ड हो गया, ठीक है। और ये क्या है बाकी, ये हटा देता हूँ। ये हटाना क्या था, मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना था, ठीक है। एक सेकंड को मैं बटन लेके आता हूँ। एक सेकंड को, इसमें सबमिट में ही होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेते हैं। यहाँ एक सबमिट बटन भी होगा, सब दिए हैं। मतलब इसमें चेक बॉक्स हैं, रेडियो बटन है, सब दिए हैं। लेआउट वगैरह कैसे सेट करते हैं वो सब दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए ये वाला ले लो, ये तो और ही ग्रेट है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। इसमें बटन वगैरह भी बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए इसमें बटन मिल जाएगा हमें, ये देखिए इन्होंने अलग से बना रखा है, हम भी बना लेते हैं। कॉपी किया और ऐसा करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, इसको हमें चाहिए नहीं, इसे डिलीट मार देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये लॉगिन का बन गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, H2 में लिख देता हूँ यूज़र लॉगिन, ठीक है। लॉगिन सेव कर लेता हूँ। तो ये यूज़र लॉगिन पेज बन गया है, ठीक है। और इसको सेंटर वेंटर करना है वो भी कर सकते हैं, फ़िलहाल अब इसे छोड़ देते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, रजिस्ट्रेशन पेज बना लेता हूँ। वैसे मुझे रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ अच्छा सा मिल गया है, यहाँ पे मुझे मिला है, इसको भी मैं ले सकता हूँ। इसमें सारी फील्ड्स वगैरह भी दे रखी हैं, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर, अच्छा इसके लिए मैंने राउट बनाया नहीं है अभी, ठीक है। तो इसके लिए राउट बना लेते हैं हम रजिस्टर के लिए। कैसे राउट बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है, और ये राउट बना लेते हैं यहाँ पे नया, ठीक है। राउट, ठीक है, डॉट गेट, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं रजिस्टर। अब यहाँ पे कंट्रोलर भी बनाएंगे, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं कंट्रोलर। इसी को ऐसा करते कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं रजिस्टर, ये हो गया, और यहाँ पे कॉल कर लेंगे रजिस्टर वाला, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोलर डॉट रजिस्टर, ठीक है, ये फालतू का स्पेस ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और ये तो हो ही गया हमारा, एक और टैब ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रजिस्टर, ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रजिस्टर का हो गया। इसमें ऐसा करता हूँ, इसका टाइटल लिख देता हूँ, इसका रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर हो गया। और ये था हमारा लॉगिन, लॉगिन, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं कैसा लग रहा है।
देखिए ये डॉक्यूमेंट लिखा है ना, यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया है, ये लॉगिन लिख के आ गया, ठीक है, और ये हो गया रजिस्टर लिख के आ गया, ठीक है। अब ये आपका फॉर्म बन गया है, बहुत बेहतरीन नहीं लग रहा है मुझे, इसको मैं सेट करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2 लिख रखा है यूज़र लॉगिन, ऐसे मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, ठीक है। H2 लिख देता हूँ, रजिस्टर लिखता हूँ, वो सही लग रहा है, ठीक है। और यहाँ भी यूज़र लॉगिन हटा देता हूँ, ओनली लॉगिन लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें से जो फील्डें हैं ये देखते हैं कि बहुत बेहतरीन नहीं लग रही हैं, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। करना तो वही था मुझे वैसे, लेकिन एक जैसा डिज़ाइन में रखना था ना मुझे। तो ये रहेगा हमारा। तो मैं पहले क्या लूँगा, यूज़र से बोलूँगा उसका नेम होना चाहिए, ठीक है, और उसका ईमेल होना चाहिए, इसको कर लेते हैं हम नेम और ईमेल, ठीक है, और एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसा करते हैं, एक ये नेम वाला नेम भी ले लेते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, नेम, और यहाँ पे ले लेते हैं नेम ईमेल, और यहाँ हो गया नेम ईमेल हो गया एड्रेस, ठीक है। तो नेम ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड का भी एक ले लेते हैं, ठीक है, एड्रेस के बाद पासवर्ड का ले लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड का ले लेते हैं, पासवर्ड का ले लिया। पासवर्ड का ले लिया, ठीक है, नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड, ठीक है, बाकी तो ऐसा नेम ईमेल पासवर्ड एड्रेस, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हटा देते हैं हम, ठीक है, एक सेकंड को एक एक करके हटाते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, और इसको इस तरीके से बंद कर लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिर, ठीक है। ये दोनों भी हटा देते हैं, सेव करते हैं, ये देखिए, ठीक है, और इसका इसमें नेम रख लेते हैं, नेम और ईमेल, और ये है पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर का, ये लॉगिन का है, इसमें भी अंदर चेंज कर देते हैं। लॉगिन का हमारा रहेगा ये वाला, ठीक है, में कर देते हैं ईमेल, ठीक है, ईमेल कर देते हैं जैसा कि मैंने उसमें किया हुआ है, उसको देख लेते हैं मैंने कैसा किया है। ओके, ऐसे कर देते हैं, ईमेल हो गया,
ईमेल हो गया, अब हो गया पासवर्ड, ठीक है ये हो गया। ठीक है तो ये हो गया सेट, अब देखते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझ जाओगे, ये मैंने लॉगिन का बना लिया है। देखिए यूआरएल, ये होम पेज में मैंने लॉगिन रखा है, ठीक है, और ये रजिस्टर वाला है। मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉर्म को भरूँगा, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, ये डेटा हमारे MongoDB के डेटाबेस में जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद मैं कहाँ आऊँगा, होम पेज पे आऊँगा। होम पेज मेरा कहाँ है, चलो मैं होम पेज में आपको लेके चलता हूँ, ये राउट में गया। ठीक है, वैसे तो मैंने इसे ऐसा करता हूँ, ये ब्लॉग हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं फालतू की यूआरएल हटा रहा हूँ, तो इसको ऐसा करता हूँ, डैशबोर्ड कर देता हूँ, डैश बोर्ड, ठीक है, और इसको कर देता हूँ डैश बोर्ड। ठीक है, अब और यहाँ पे कर देता हूँ, डैशबोर्ड कर दिया ना, तो अब मुझे डैशबोर्ड नाम का बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ डैशबोर्ड के नाम से बना लेता हूँ, बल्कि एक सेकंड को मैं बनाता हूँ, पहले 1 मिनट, ये ब्लॉग वाला है ना, ब्लॉग तो हटाना है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ डैशबोर्ड, VOARD डैशबोर्ड। ठीक है, ये हो गया डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, क्योंकि लॉगिन का है ना, इसको कर लेता हूँ मैं लॉगिन। लॉगिन हो गया हमारा। ठीक है, ये लॉगिन हो गया, ये अबाउट का है, ये रजिस्टर का है, ये डैशबोर्ड का है। ठीक है, अब डैशबोर्ड में मैंने क्या किया हुआ है, ये डैशबोर्ड पे आया, यहाँ पे मैंने ब्लॉक की जगह इसको कर देता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, अच्छा डैशबोर्ड पे मैंने लेआउट फॉल्स का रखा, जबकि मुझे यहाँ पे लेआउट चाहिए। ठीक है, अब जो ब्लॉग वाला है उसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, और उसको कर लेता हूँ डैशबोर्ड, DASHBOARD डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊँगा लेआउट। ठीक है, यूज़र अभी डैशबोर्ड लिख देता हूँ, यूज़र डैशबोर्ड। ठीक है, मतलब चलो लेआउट बना भी देते हैं हल्का सा, इसी में से उठा लेता हूँ, 1 मिनट लॉगिन वाले पेज से उठाता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन उठा लेता हूँ, ओनली कंटेनर वाला पोर्शन उठाऊँगा। और यहाँ पे डैशबोर्ड में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, ये सब हटा देता हूँ, फॉर्म वॉर्म सब हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा यूज़र लिस्टिंग कर देते हैं हम। ठीक है, या ले लेते हैं डैशबोर्ड। चलिए अब हम ना इसको रन, इसे सेव करके रन करके देखते हैं, पहले डैशबोर्ड को भी देखते हैं। ये कर दिया है 5000/DASHBOARD बोर्ड डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, बाकी हमारे लिंक्स आ रहे हैं यहाँ पे भी, इसको भी मैं अब लेआउट में डालता हूँ, ये मेन लेआउट है। ठीक है, यहाँ पे मेन लेआउट कॉल हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये बूटस्ट्रैप एग्जांपल हटाता हूँ और ये लिख देता हूँ यूज़र सेक्शन, लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ये सब कोड मैं आपको गिट पे मतलब अपलोड कर दूंगा, आपको दे दूंगा। ठीक है, पहले कर्ड ऑपरेशन कंप्लीट कर लूँ, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ऐड पोस्ट बना है मेरा, ऐड लिस्ट बन गया, डैशबोर्ड बन गया, और ये रजिस्टर का पेज देख लिया, ये लॉगिन का पेज देख लिया। आज के वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ओनली डिज़ाइनिंग करी है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, बट आज के वीडियो में मेरा डिज़ाइन सेट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोंगो डीबी को सेटअप करना, किस तरीके से सेटअप करेंगे, कैसे डेटाबेस बनाएंगे, और फ्रेंड्स फिर मैं इन सारे फॉर्म्स को वर्किंग करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ट्राई करिए इसे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिनिश होता है, धन्यवाद, बाय बाय।